मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गई है। रतलाम में शुभ मुहूर्त में कालिका माता मंदिर में तड़के घट स्थापना के साथ गरबा रास की शुरुआत हुई। कालिका माता मंदिर में पहले दिन गरबा रास के लिए बड़ी संख्या में माता बहनें पहुंची। मंदिर परिसर में सुबह और रात को गरबा रास का आयोजन किया जाएगा। गरबा पांडालों में शुभ मुहूर्त में चल समारोह के रूप में मां अम्बे की मूर्ति विराजित कर गरबा रास की शुरुआत की जाएगी। तो वहीं यहां से 35 किलोमीटर दूर बाजना रोड स्थित माँ गढ़खंकई माता मंदिर पर भी सुबह से भक्तों की भीड़ है। तड़के कई भक्त रतलाम से मंदिर पहुंचे और यहां से ज्योत लेकर रतलाम रवाना हुए। रतलाम जिले में 926 जगह देवी मां की घट स्थापना की जाएगी। 735 जगह गरबा रास का आयोजन होगा। आगामी त्योहारों नवरात्रि एवं दशहरा उत्सव को दृष्टिगत रखते हुए रतलाम पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में शहर के विभिन्न स्थानों से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च कालिका माता मंदिर प्रांगण व शहर के मुख्य एवं संवेदनशील स्थानों से निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जी हां, आपको बता दें, आगामी त्योहारों नवरात्रि एवं दशहरा उत्सव के दृष्टिगत शहर में निकला फ्लैग मार्च। मैं हूं अभिमन्यु अभियान की शुरुआत आज रतलाम पुलिस मुख्यालय से शुरू हुई। यहां पर एसपी अमित कुमार द्वारा अभियान की शुरुआत करते हुए प्रचार प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाई और जानकारी देते हुए बताया कि मैं हूं अभिमन्यु अभियान महिला शाखा एवं डीजीपी के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नुक्कड़ नाटक से लोगों को गुड टच और बेड टच के बारे में बताया जाएगा। वहीं यह रथ स्कूलों और कॉलेजों में भी जाएगा और अधिक से अधिक बच्चों को जोड़कर मैं हूं अभिमन्यु अभियान में जोड़ा जाएगा, ताकि इस रथ के माध्यम से लोगों में जागरूकता बढ़ सके। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने मैं हूं अभिमन्यु के बारे में जानकारी देते हुए बताया। बिल्कुल, देखिए, ये मैं हूं अभिमन्यु अभियान पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो है महिला शाखा एवं डीजीपी सर के मार्गदर्शन में जो है चलाया जा रहा है। इसमें पूर्व में भी जो भी लड़के हैं इसको लेकर के इनको जो है ट्रेनिंग दी गई थी, इनको जो है संवेदनशील किया गया था महिला अपराधों की तरफ। पुनः जो है ये कार्यक्रम जो है रतलाम जिले में जो है स्टार्ट किया गया है। इसमें जो है अलग अलग जगह पर नुक्कड़ नाटिका रहेगी, साथ ही साथ हमारा रथ जो है आज हमने फ्लैग किया है, साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर जो है लोगों को जो भी गुड टच बैड टच है, बच्चों को लड़कों को जो है ये बताया जाएगा कि किस तरीके से उन्हें महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ बिहेव करना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही प्रकाश में आया था रतलाम में एक जो है छोटी सी घटना भी हुई थी जो कि संवेदनशील घटना है। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी बच्चे हैं, स्पेशली जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको भी मैं अभिमन्यु अभियान से जोड़ा जाए। और डीएसपी डब्ल्यूएसबी एडिशनल एसपी को निर्देशित किया गया है कि इस प्रोग्राम को सफलतम बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस लड़कों में फैलाएं। सर, स्कूल कॉलेजों में भी बिल्कुल ये रथ जो है हर दिन स्कूल कॉलेजेस में जाएगा। कम से कम 8 से 10 स्कूल कॉलेजेस का जो है टारगेट दिया गया है, तो इसमें जाएगा और जो भी लड़के हैं उनको जो है मैं हूं अभिमन्यु अभियान में जोड़ा जाएगा। और आगे उनको सिर्फ ये अभियान खत्म नहीं हो,
आगे उनको फॉलोअप में भी रखा जाएगा ताकि महिला संबंधी अपराध में क्या सेंसिटिविटी है उनके बारे में उनको बताया जाएगा। पूरे जिले भर में चलाया जाएगा। बिल्कुल पूरे जिले भर में चलाया जाएगा। गुड टच बैड टच, अगर बच्चियों के साथ कोई बैड टच होता है तो लड़कों के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस हैं, JJB के क्या नियम है, वो भी बच्चों को बताया जाएगा। तो एक तरह से ये वृहद प्रोग्राम रहेगा। ओंकार घाणी तेल, जहां आपको मिलेगा शुद्धता और सात्विकता का अटूट संबंध। हमारी विशेषताएं मूंगफली तेल, तिल तेल, नारियल तेल, बादाम तेल, एरंड तेल, अलसी तेल के साथ सभी प्रकार का तेल ऑर्डर पर निकाला जाता है। घाणी तेल की विशेषताएं ब्लड शुगर लेवल कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाए, हार्ट के लिए फायदेमंद और पोषक तत्वों से भरपूर। भारत की पारंपरिक लकड़ी की घाणी से बना तेल अपनाइए और बीमारियों को दूर भगाइए। तो आज ही एक कदम शुद्धता और तंदुरुस्तता की ओर। हमारा पता है ओंकार घाणी तेल, माणक चौक, बड़े हनुमान जी का मंदिर, साहू बावड़ी, दुकान नंबर 3, मोबाइल 9303038863। रतलाम जिले के भाजपा नेता के ऊपर स्कॉर्पियो चोरी का आरोप लगा है। पुलिस ने CCTV कैमरे के आधार पर मुकेश पंचोला नामक भाजपा नेता को भी आरोपी बनाया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित के द्वारा मुकेश से गाड़ी ली गई थी, जिसे वह चुरा कर ले जाता नजर आ रहा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके द्वारा ताल निवासी मुकेश पंचोला से स्कॉर्पियो एग्रीमेंट पर ली गई थी, जो कि उसके घर के बाहर से अज्ञात बदमाश चुरा कर ले गए थे। घटना की जानकारी मिलने के बाद CCTV कैमरे चेक करने पर उसमें मुकेश गाड़ी ले जाता नजर आ रहा है। ऐसे में पीड़ित के द्वारा पुलिस को दिए गए वीडियो में मुकेश गाड़ी ले जाता दिखाई दे रहा है, जिस पर पुलिस ने उसे आरोपी बनाया है। वहीं पुलिस ने गाड़ी भी जब्त कर ली है। ये गाड़ी चोरी होने का मामला है। स्कॉर्पियो ली थी मैंने ताल से मुकेश पंचोला से, एग्रीमेंट पे पेमेंट दे दिया था उसको मैंने, तो गाड़ी चोरी हो गई। तो मैंने स्टेशन थाने पर जाकर बताया तो अज्ञात में उन्होंने FIR करी। जब मेरे द्वारा CCTV कैमरे चेक करे और मैंने पुलिस को सर को बताया तो उन्होंने देखा तो मुकेश पंचोला गाड़ी लेते हुए देखा, तो सर ने उसके नाम दर्ज FIR दर्ज करी। और आपकी गाड़ी जब्त हो गई? गाड़ी जब्त हो गई मेरी और मुकेश पंचोला के नाम पर FIR हो गई है। ये गाड़ी कितने समय बाद आप? ये 5 महीने समय मेरे कने थी, 5 महीने से लगातार गाड़ी मैं चला रहा था। आपको बताया भी नहीं और गाड़ी ले? हाँ, मेरे को बताया भी नहीं और गाड़ी ले। ये मुकेश पंचोला BJP से जुड़ा हुआ है। अभी निर्दलीय में विधायक का चुनाव भी लड़ा इसने, निर्दलीय खड़ा हुआ था। कहाँ का रहना? ये वैसे तो ताल के पास का गाँव का है ये, पर अभी ताल में रहता है प्रॉपर। नहीं, जिस तरह हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ CCTV फुटेज भी जिसमें प्राप्त हुए हैं, CCTV फुटेज को खंगाल कर संबंधित व्यक्ति को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि ये कौन है। आइडेंटिफिकेशन के आधार पर जो है कार्रवाई की जाएगी।